हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए लोगों को दिसंबर मंथ का पूरा कंप्लीट करंट अफेयर्स करा दिया था। और एक खुशखबरी की बात ये बता दूं, कल जो 13 तारीख की जो शिफ्ट हुई है जिसमें मेरा भी एग्ज़ाम था, इसी चक्कर में मैं कल जनवरी का करंट अफेयर्स अपलोड नहीं कर पाया। उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मैं माफ़ी मांगूंगा आप लोगों से। लेकिन आज देखिए, मैं तुरंत कल, क्योंकि मेरा पेपर था, हो गया है। मैंने उसका एनालिसिस, पूरा का पूरा पेपर का एनालिसिस, मेरे को मैक्सिमम ऑलमोस्ट 20-22 क्वेश्चन जीएस के, फिर मैथ के, रीजनिंग के, इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन याद थे, मैंने पूरा एनालिसिस किया है। कल ही मैंने वीडियो अपलोड किया है, आप लोग उसको मस्ट विजिट है। जितने भी आगे जिन भी स्टूडेंट्स का भी पेपर बाकी है, आप लोग वो वीडियो ज़रूर देखना कि किस अकॉर्डिंग पेपर आ रहा है, पेपर का पैटर्न क्या है, स्टैटिक पोर्शन से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, मैथ का लेवल कैसा है। ठीक है, आप लोग जरूर उस वीडियो को देखिएगा। बाकी देखिए, आज हम लोग कवर कर लेते हैं जनवरी के 300+ क्वेश्चंस। जैसे पिछली वीडियो थी दिसंबर वाली, तुरंत तुरंत ही तुरंत कर दिए थे बहुत ही कम समय में, वैसे ही आज भी करते हैं बहुत ही कम समय में। ठीक है, तो इस वीडियो में देखिए, स्टार्टिंग में 60-62 क्वेश्चन ऐसे हैं, 60 to 62 क्वेश्चन जो दिसंबर मंथ के एज अ रिविजन पर्पज मैंने डाल दिए हैं। ठीक है, वो स्टार्टिंग में ही है, तो मैं पीडीएफ अपने टेलीग्राम ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग वहां से पीडीएफ ले लेना। और बाकी आप लोग एज अ रिवीजन परपज आप 60 to 62 क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करना। बाकी जो मैं आज जो वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं, वो 60 कौन सा नंबर है, 3 की 4 ऐसे ही देखिए नंबर है, ये 63 नंबर से। ठीक है, 62 तक ये देखिए, आप लोग को याद होगा मैंने पिछली वीडियो में जो दिसंबर वाली थी उसमें मैंने ये करा दिया था कि किस राज्य ने जरूरतमंदों के इलाज के लिए जब पहला जनता क्लिनिक शुरू किया, वो उसका आंसर राजस्थान था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब यहाँ से हम जनवरी का करंट अफेयर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, 300+ क्वेश्चन हैं, अब एक साथ एकदम लग जाओ साथ में। ठीक है, हु लेट द फाउंडेशन स्टोन ऑफ दिल्ली साइकिल वॉक प्रोजेक्ट, इसका आंसर है अमित शाह जी ने किया था। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इंडियास पी मगेश चंद्रन हैज वॉन द टाइटल इन द 95th एडिशन ऑफ प्रेस्टीजियस हेस्टिंग इंटरनेशनल चेस कांग्रेस इन इंग्लैंड, ही इज फ्रॉम विच स्टेट। ठीक है, तो ये देखिए तमिलनाडु के हैं। तो भाई देखो, इसमें देखो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि ये स्टेट किस से हैं। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बहुत रेयर आते हैं, लेकिन इसमें जो एक स्टेटमेंट लिखा हुआ है साथ में कि भारत के पी मगेश चंद्रन ने इंग्लैंड में प्रतिष्ठित हेस्टिंग्स इंटरनेशनल शतरंज कांग्रेस के 95वें संस्करण में खिताब जीता है। तो भाई हेस्टिंग्स इंटरनेशनल का खिताब किसने जीता है, पी मंगेश चंद्रन ने जीता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एडवाइजर टू जीसी मुर्मू द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो ये देखिए, ये पीडीएफ जनवरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो ये राजीव रॉय भटनागर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब ये कंफ्यूज मत होना कि सर अब तो वहाँ के राज्यपाल चेंज हो चुके हैं जम्मू एंड कश्मीर के, अब तो मनोज सिन्हा हो चुके हैं। ठीक है, तो जनवरी के अकॉर्डिंग सोचना थोड़ा, और इसका आंसर राजीव रॉय भटनागर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक के पूर्व गवर्नर और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हो गया है। तो भाई ये TN चतुर्वेदी थे। ठीक है, TN चतुर्वेदी थे जो भारत के पूर्व गवर्नर भी थे और पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे कैग बोलते हैं, CAG, वो भी रह चुके थे। क्या नाम था, TN चतुर्वेदी। तो ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट लग रहा है, आ सकता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, लियो कॉल्टर एक ओवर में 6 छक्के लगाने वाले दुनिया के सातवें, वो किस देश से हैं। तो ये हैं भाई न्यूजीलैंड के। किस देश ने आधिकारिक रूप से नई सैन्य सेवा स्पेस फोर्स लॉन्च की है, ये USA ने लॉन्च की है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ नेशनल मेडिकल कमीशन, देखो ये भी इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अपॉइंटमेंट, इसका आंसर क्या है, सुरेश चंद्र शर्मा को बनाया गया है नेशनल मेडिकल कमीशन का चेयरमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने सोलर पार्कों के वित्त पोषण के लिए किस देश के साथ $75 मिलियन की लाइफ ऑफ क्रेडिट बढ़ा दिए, किस देश के लिए, तो ये बढ़ा दिए अभी क्यूबा के लिए। ठीक है, क्यूबा के लिए ये क्रेडिट लाइन $75 मिलियन के लिए बढ़ा दी गई है। किस राज्य में हर साल 6 जनवरी को दिवंगत तपस्वी पत्रकार
पत्रकार बाल शास्त्री जांभेकर की याद में पत्रकार दिवस मनाया जाता है। तो भाई ये है महाराष्ट्र। और इस चीज यहाँ एक चीज और याद रख लेना, जो मराठा मराठी जर्नलिज्म जो है उसके जो फादर कहे जाते हैं वो भी बाल शास्त्री जांभेकर जी कहे जाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, ये महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, किसे सी के नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था वहां पे, लेकिन केवल अंजुन चोपड़ा था ऑप्शन में, और मैंने आपको एडिशनल नॉलेज के साथ बताया था कि के श्रीकांत को भी ये अवार्ड मिला है। तो वही है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पे सी के नायडू अवार्ड देखिए दोनों है, के श्रीकांत भी ऑप्शन में, अंजुन चोपड़ा भी, तो इसका आंसर हो जाएगा फिफ्थ, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो लिवरपूल ने कतर के दोहा में फीफा क्लब विश्व कप ट्रॉफी जीती है, यह किस देश का फुटबॉल क्लब है। तो यहाँ पूछा गया लिवरपूल किस देश का क्लब है, तो ये भाई किसका है, इंग्लैंड का है, ठीक है, यूके। तो एक चीज यहाँ याद रखना, किसने पहली फीफा क्लब विश्व कप ट्रॉफी जीती है, ये जीती है लिवरपूल ने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। और कहाँ पे आयोजित हुआ था, ये कतर के दोहा में आयोजित हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के नंधौर वन्य जीव अभयारण्य को कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के टाइगर सेल मिलेगा, तो ये है भाई उत्तराखंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारत सरकार ने किस देश के सशस्त्र पुलिस बल स्कूल के लिए गर्ल्स हॉस्टल का निर्माण किया है, तो ये नेपाल के लिए किया है। भारतीय रेल ने कालका और किन स्टेशनों के बीच हिम दर्शन एक्सप्रेस शुरू की है, तो भाई ये शिमला और कालका के बीच शुरू हुई है हिम दर्शन एक्सप्रेस, तो ये भी थोड़ा आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार महिला सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं के लिए नाइट वॉक आयोजित करेगी और महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के बारे में जनता में जागरूकता फैलाएगी। तो ये नाइट वॉक जो महिलाओं के लिए आयोजित कराएगा ये केरल राज्य, ठीक है, केरल राज्य। नेक्स्ट है, हसन दीप को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया, तो ये लेबनान के ये हसन दीप चुने गए थे उस टाइम, उसके बाद अभी जब विस्फोट हुआ था लेबनान में, आपको अच्छे से याद होगा, लेटेस्ट अगस्त की शायद न्यूज है, तो उस विस्फोट के कारण इन्होंने फिर रिजाइन भी दे दिया था, ठीक है, ये चीज भी आप लोग याद रखना, हसन दीप उस टाइम पे, लेकिन जो अपने बने थे नए प्रधानमंत्री वो लेबनान के बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिष्ठित छत्रपति शिवाजी महाराज को FSSAI द्वारा 5 सितारा रेटिंग के साथ ईट राशन स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है। भाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखो पिछले वीडियो में दिसंबर वाले में भी डाला गया था और यहाँ पे भी देखो है, ठीक है। तो यह किस राज्य में है, तो भाई ये पूछा गया है, ये रेलवे स्टेशन किस राज्य में, ये सबको पता है, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस कहाँ पे है, महाराष्ट्र में है। हु हैज बीन फैसिलिटेड विद प्रेस्टिजियस आर्मी डिजाइन ब्यूरो एक्सीलेंस अवार्ड फॉर इंडिजेनसली डेवलपिंग सर्वत्र कवच ए बुलेट प्रूफ जैकेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट भाई, किसी एक शिफ्ट में श्योर आएगा क्वेश्चन, लिख के ले लो, ठीक है। यह है भाई अनूप मिश्रा जी, ठीक है, इन्होंने बनाया था एक सर्वत्र कवच नाम से बुलेट प्रूफ जैकेट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में राजनाथ सिंह ने राष्ट्रीय व्यापारी सम्मेलन का उद्घाटन किया, तो ये दिल्ली में किया है। किस शहर में DRDO ने प्राइड ऑफ इंडिया साइंस एक्सपो 2020 में भाग लिया है, तो ये लिया है बैंगलोर में, ठीक है। तो भाई साइंस एक्सपो ये बैंगलोर में हुआ था, और जो डिफेंस एक्सपो हुआ था डेफ एक्सपो, उसको कहाँ हुआ था, वो लखनऊ में हुआ था, ये भी आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च्ड ई बी क्रय एन ई ऑक्शन प्लेटफॉर्म टू इनेबल ऑनलाइन ऑक्शन ऑफ अटैच एसेट्स बाई बैंक, तो ये निर्मला सीतारमन जो अपनी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के पहले संस्करण की मेजबानी कौन सा शहर करेगा, तो भाई ये भुवनेश्वर करेगा उड़ीसा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में आने वाले सभी राष्ट्रीयताओं के लिए 5 साल के बहुप्रवेश पर्यटक दिए, तो ये सुविधा भी UAE ने स्टार्ट की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 31वां अंतर्राष्ट्रीय पतंग उत्सव, पतंग उत्सव मतलब आ गया अपना गुजरात, गुजरात मतलब अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य बच्चों के नवाचार की पहचान पोषण और बढ़ावा देने के लिए विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर की स्थापना करेगा, ये करेगा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये बांग्लादेश ने प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस हैज़ प्रोजेक्टेड ग्रोथ इन रियल जीडीपी ड्यूरिंग 2019-20 एट 5%। यार डायरेक्ट यार यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों में मतलब इंग्लिश लैंग्वेज से आंसर लिख गया, ठीक है। बेसिकली पूछा गया था कि इतने परसेंट इन्होंने जीडीपी अनुमानित की थी, तो 5% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी पीयूष गोयल लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म NSE नॉलेज हब। तो ये देखो कहाँ पे किया है, नई दिल्ली उतना इंपॉर्टेंट जाए ना हो क्वेश्चन, लेकिन पीयूष गोयल ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म NSE नॉलेज हब लॉन्च किया है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट अप्रूव्ड ए ट्रिपल अर्जेंसी बिल विच डिजाइनेट्स द US आर्मी एंड पेंटागन एज अ टेररिस्ट इंटाइटी, ठीक है। किस देश की संसद ने एक ट्रिपल अर्जेंट बिल को मंजूरी दी है जो अमेरिकी सेना और पेंटागन को एक आतंकवादी इकाई के रूप में नामित करता है। तो ये किया है ईरान ने। ईरान ने क्यों किया है, क्योंकि जो इनके वो थे कमांडर याद है सुलेमानी, उनको जो अमेरिका ने मार दिया था उसके बाद ये उसने स्टेप उठाया था ईरान ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार श्रीलंका ये पर्यटक वाला ये इतना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, हिमाचल प्रदेश सरकार ने शासन प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को मजबूत करने के लिए के उद्देश्य से शिमला में हिमाचल MyGOV पोर्टल लॉन्च किया है। यह सुविधा पाने वाला हिमाचल प्रदेश देश का 11वां राज्य बन गया है, ठीक है। 11वां राज्य बन गया है जहां पे अब MyGOV पोर्टल मतलब स्टेट का MyGOV पोर्टल लॉन्च हो गया है, 11वां। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वर्तमान में वैधानिक तरलता अनुपात, भाई ये भी छोड़ दो क्योंकि ये तो बहुत चेंज होती रहती है, 18.25 थी, इस टाइम करंटली 18% है। तो भाई एक बार देख लेना ये सब रेशियो, ठीक है। अब यार आप लोग डायरेक्ट सर्च मारोगे SLR तो भाई वो आ जाएगा 19.25%। फिर आप कंफ्यूज हो गए कि सर ये तो ये दिखा रहा है, आप 80% बताए थे। तो ये जितने भी डेटा होते हैं SLR या तो रिजर्व रेशियो, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट, सॉरी रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, जितने भी ये होते हैं रेट, ठीक है, या रेशियो जितने भी होते हैं, डायरेक्ट डालोगे RBI रेट्स, ठीक है, या तो डाल देना RBI रेशियो, और डायरेक्ट RBI की वो साइट ओपन होगी, ठीक है, पहले या दूसरे नंबर पे ही होगी, RBI.org.in, उस पे जाके सारे रेट्स चेक करना जो उनकी ऑथेंटिक साइट में, किसी भी और साइट में जाके मत चेक करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना को मंजूरी दी गई है, तो ये मध्य प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा की दी गई है। ओमान की रॉयल नेवी के 2 जहाज इंडो ओमान द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास के 12वें संस्करण में भाग लेने के लिए गोवा पहुंचे हैं। तो पूछा गया है कि एक्सरसाइज ओमान और भारत के बीच में कौन सी होती है, नसीम अल बह, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो स्टैटिक में भी बन सकता है, तो आप लोग इसको थोड़ा याद रखना कि भारत और ओमान के बीच में कौन सी मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, तो वो है नसीम अल बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 1952 में गठित देश की पहली लोकसभा सदस्य का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो भाई ये सबसे अंतिम सदस्य थे जो जीवित थे, उनकी ही मृत्यु हो गई है अभी जनवरी में, उनका नाम है कमल बहादुर सिंह, ठीक है। ये अंतिम मतलब की जीवित व्यक्ति थे लोकसभा के, पहली लोकसभा के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सेना के पश्चिमी कमान के पूर्व कमांडर का नाम क्या है जिनका हाल ही में निधन हो गया है, तो यह है PN हून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक का क्या नाम है इनका हाल ही में निधन हो गया है, भाई ये उस टाइम की न्यूज है, तो उस टाइम जो हाल ही में निधन हुआ था वो हुआ था अकबर पद्मसी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जल जीवन हरियाली अभियान ये बिहार राज्य ने शुरू किया था, नीतीश जो वहां के हैं नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, उन्होंने शुरू किया था। फिर नेक्स्ट है कि किस बैंक को RBI ने लघु वित्त बैंक में परिवर्तन करने के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया है, तो यह है देखिए शिवालिक मर्जेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो यह भी एक देखिए डिफरेंट सा नाम है, तो थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, वैसे तो इतना बड़ा नाम है मैंने एक बार बोल दिया आपको डेफिनेटली याद हो गया है, ये क्वेश्चन आएगा तो आप 100% सही करके आओगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु हैज वॉन द UK चिल्ड्रंस बुक अवार्ड फॉर दी हर डेब्यू नॉवेल आशा एंड द स्प्रिट वर्ल्ड, तो ये जसविंदर बिलन जी, इन्होंने ये लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको IBM ने भारत और दक्षिण एशिया का MD नियुक्त किया है, तो ये नियुक्त किया है संदीप पटेल जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हु लेड फाउंडेशन स्टोन टू लक्षद्वीप फर्स्ट सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एट कवरत्ती,
तो ये रखा है जो अपने राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद जी, उन्होंने। नेक्स्ट है विच सिटी विल होस्ट द एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग ऑफ द इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, तो ये आयोजित की गई है नई दिल्ली में। किस शहर में महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कला प्रदर्शनी किया गया है? ढाका में किया गया है, बांग्लादेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस ई कॉमर्स भुगतान कंपनी ने व्यापारियों को 0% शुल्क पर असीमित भुगतान स्वीकार करने के लिए ऑल इन वन क्यूआर कोड लॉन्च किया है? ये किया है पेटीएम ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शांतिपूर्ण और असैन्य उद्देश्यों के लिए बाह्य अंतरिक्ष के इस्तेमाल और वहां खोज गतिविधियों के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये समझौता हुआ है मंगोलिया और भारत के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन किस रेलवे स्टेशन पर दृष्टिहीनों के लिए नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है, इंपॉर्टेंट। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट। हु हैज बीन प्रेजेंटेड विद द क्वालिटी रत्न अवार्ड बाई ट्रेड बॉडी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री इंडियन इंडस्ट्री? तो इसका आंसर क्या है? सुरेश कृष्ण जी। ये भी भाई देखो, जो अवार्ड्स वगैरह हैं हर एक सेट में पूछा जा रहा है भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको याद होगा क्रिस्टल अवार्ड एक आया चुका है। ठीक है, अभी कल की बात करें तो चेंज मेकर अवार्ड आ चुका है। चेंज मेकर अवार्ड किसको दिया गया है? ठीक है, तो इसी तरह देखिए ये भी है क्वालिटी रत्न। भाई देखो नाम से ही बहुत अच्छा है, क्वालिटी रत्न तो आने के चांसेस बन जाते हैं अवार्ड वगैरह। तो आंसर इसका है सुरेश कृष्ण। वैसे तो अब आपको याद हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वेट लिफ्टर झिल्ली दलबहेरा विल गेट दी प्रेस्टिजियस एकलव्य अवार्ड फॉर द ईयर 2019। भाई बस यही इंपॉर्टेंट है कि देखो झिली दलबहेरा ये कौन है, भारोत्तोलक मतलब वेट लिफ्टर हैं, और इनको कौन सा अवार्ड दिया मिला है? 2019 का एकलव्य पुरस्कार। ठीक है, ये वैसे हैं कहाँ की? उड़ीसा की हैं, लेकिन आपको ये चीज याद रखना है एकलव्य पुरस्कार 2019 किसको मिला है? झिली दलबहेरा जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको यूनाइटेड किंगडम के रॉयल एरोनॉटिकल सोसाइटी द्वारा मानद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये जी सतीश रेड्डी। ये कौन है जी सतीश रेड्डी? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना किस राज्य सरकार ने अपहरण जैसे अपराधों के बारे में लघु संदेश सेवा प्रणाली के माध्यम से जनता को सचेत करने के लिए शक्ति परियोजना शुरू करने का निर्णय लिया है? तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत भ्रष्टाचार सर्वेक्षण, भाई सबसे ज्यादा भ्रष्ट राज्य राजस्थान सूची में नंबर वन पे है। अभिनेत्री तापसी पन्नू मिताली राज की बायोपिक शाबाश मिट्ठू में भूमिका निभाएंगी, तो इस जो मूवी का नाम है शाबाश मिट्ठू, इसके निर्देशक कौन होंगे? ये होंगे राहुल ढोलकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्यूरिख एयरपोर्ट्स ने ग्रेटर नोएडा में जेवर हवाई अड्डे के निर्माण और संचालन का कॉन्ट्रैक्ट जीता है, मतलब इन्होंने बिडिंग जीत ली है ज्यूरिख एयरपोर्ट्स ने, तो ये किस राज्य में है? जेवर एयरपोर्ट जो अभी नया बना है ये हुआ है अभी उत्तर प्रदेश में, नोएडा में ही, गाजियाबाद में शायद, नहीं नोएडा, नोएडा में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड द जननायक जनता पार्टी एज स्टेट पार्टी ऑफ, भाई जेजेपी ये जानते हो ना, हरियाणा की है भाई, चौटाला जी की जो वहां के उप मुख्यमंत्री बने हुए हैं अभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसने नागरिक कर्तव्य पालन अभियान के एक भाग के रूप में कर्तव्य पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया रमेश पोखरियाल निशंक। ये कौन है प्रेजेंट टाइम में, कौन सा मिनिस्टर है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ। रिजर्व बैंक ने 2019 से 2022 की अवधि के लिए किन देशों के लिए मुद्रा स्वैप व्यवस्था संबंधी रूपरेखा की घोषणा की है? तो ये सार्क, सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है और उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर चलो मैं बता देता हूँ, काठमांडू में है। उसका फुल फॉर्म जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए जल्दी से। विच डे वॉज ऑब्जर्व एज 16th प्रवासी भारतीय दिवस? भैया 9 जनवरी को होता है जब महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से वापस आए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व हिंदी दिवस हर साल 10 जनवरी को मनाया जाता है, पहली बार कब मनाया गया था? 1975 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय स्टेट बैंक ने रेसिडेंशियल बिल्डर फाइनेंस विथ वायर गारंटी योजना की घोषणा की है? यह योजना के तहत बैंक उन ग्राहकों को चुनिंदा आवासीय परियोजनाओं को पूरा करने की गारंटी जारी करेगा जिन्होंने इससे होम लोन लिया है। ठीक है, तो ये कौन सा बैंक है भाई, किसने किया भाई? अच्छा हिंदी में तो आंसर दे रखा है भारतीय स्टेट बैंक, इंग्लिश में देखो विच बैंक दिया, तो ये SBI वैसे इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाई विच ईयर कश्मीर विल कनेक्टेड टू रेस्ट ऑफ द कंट्री थ्रू रेलवे नेटवर्क? तो भाई इसका आंसर हो गया दिसंबर 2021। ठीक है, नेक्स्ट ईयर दिसंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो में भारत रिपोर्ट 2018 में वार्षिक अपराध प्रकाशित किया है कौन सा राज्य?
59,445 मामलों के साथ सूची में सबसे ऊपर है। तो ये उत्तर प्रदेश सबसे ऊपर है, कंफ्यूज मत होना। भ्रष्टाचार के मामले में राजस्थान और क्राइम के मामले में उत्तर प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इस कंपनी पर IRDAI ने बीमा कंपनियों के लिए कॉरपोरेट प्रशासन के दिशा निर्देशों के कुछ प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो भैया ये लगाया चोला MS पर, इसका पूरा नाम है चोला मंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, तो यही नाम है इसका, तो इस पे लगा है 1 करोड़ का जुर्माना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शहर मिलन अभ्यास की मेजबानी करेगा? तो भाई उस टाइम कहीं होता तो मतलब विशाखापट्टनम में, अभी लेकिन पोस्टपोन कर दिया गया है और अभी तक ये हो नहीं पाया है COVID-19 के कारण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरबजीत कौर को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने खेल से 4 साल के लिए प्रतिबंधित कर दिया है, या किस खेल से संबंधित है? तो ये भारोत्तोलन वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। ठीक है, कौन 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाएगा? कौन सा एक मतलब ये कौन सा क्या बोलते हैं इनको, रिजर्व फोर्स है ना, ये फोर्सेस हैं, फोर्सेस के नेम हैं। ठीक है, तो ये बनाता है CISF, इस साल बना रहा है ईयर ऑफ मोबिलिटी। ठीक है, CISF का वैसे फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, तो पूर्व प्रधानमंत्री जोरान मिलनोविक किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? पहले ये पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, इस बार इन्होंने राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया, वो है क्रोएशिया के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो में बक्सा वर्ल्ड फेस्टिवल का 4th संस्करण आयोजित किया गया, ये बक्सा नेशनल पार्क है कहाँ पे? वेस्ट बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी जब किनकी जन्मतिथि होती है? विवेकानंद जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है? ताइवान के लिए चुना गया है, ताइवान की बनी है ये। भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, सुल्तान कबूस बिन सैद का हाल ही में निधन हो गया, वो किस देश का सबसे लंबे समय शासक शासन करने वाला शासक था? तो भाई इसका आंसर है ओमान। ठीक है, अभी इनके लिए राष्ट्रीय शोक, आधा शोक की राष्ट्रीय शोक शायद रखा गया था, इस वजह से ये बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओमान के थे सुल्तान कबूस बिन सैद। ठीक है, इनके निधन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा इनके निधन के बाद वहां का सुल्तान किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था सैयद हैथम बिन तारिक अल सईद। ठीक है, इनको बनाया गया था नेक्स्ट सुल्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के पासपोर्ट का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो ये स्थान है 84वां स्थान है। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस महिला टीम ने लेह में 7वीं राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप महिला ट्रॉफी जीती है? तो ये वहीं की टीम, लद्दाख की टीम ने ही, लेह में हुआ था और लद्दाख की टीम ने भाई जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रायसीना संवाद हमेशा कहाँ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोवाक जोकोविक ने सिडनी में स्पेन के राफेल नडाल को हराकर ATP का पुरुष एकल खिताब जीता है। तो इम्पोर्टेंट क्या है, नोवाक जोकोविक ने ATP कप जीता है, ये इम्पोर्टेंट है। किसको हरा के? राफेल नडाल। आपको ये दोनों नाम पता होंगे यार, जो कोविक अपने सर्बिया के खिलाड़ी हैं और राफेल नडाल स्पेन के खिलाड़ी हैं। ठीक है, सर्बिया इसका वैसे आंसर हो गया क्योंकि ये पूछ रहा है कि जोवाक नोकोविक किस देश के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट, किसी एक शिफ्ट में, अभी आगे वाले शिफ्ट में जरूर आएगा, आंसर पहले बता देता हूँ, जसप्रीत बुमराह है जिनको पॉली उमरीगर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नागपुर में 31वां सड़क सुरक्षा अभियान उद्घाटन किया है? नितिन गडकरी जी। प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक शोधकर्ता और इतिहासकार चिदानंद मूर्ति का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस राज्य के थे? कर्नाटक के थे। तो भाई ये राज्य तो एक बार जाए मतलब बहुत दूर की बात हो जाती है, लेकिन हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि चिदानंद मूर्ति इनका मतलब प्रोफेशन क्या था, जैसे यहाँ पे लिखा है ना प्रसिद्ध कन्नड़ लेखक शोधकर्ता इतिहासकार, तो भाई ये पता होना चाहिए कि जो चिदानंद मूर्ति जी थे वो लेखक थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो स्वदेशी लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट LCA तेजस के नौसैनिक संस्करण ने किस विमान वाहक पोत पर अपनी पहली सफल लैंडिंग की है? तो ये पहली लैंडिंग हुई है INS विक्रमादित्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 हैज कम इनटू फोर्स ऑन, भाई देखो इतना ज़्यादा इसके लिए बवाल हुआ था, डेट याद रखना कि 10 जनवरी 2020 से ये लागू हो गया है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने गांधीनगर के महात्मा मंदिर में विश्वास और साइबर आश्वस्त को डिजिटल रूप से लॉन्च किया है? अमित शाह जी ने। किसको केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक के रूप में चुना गया है, जिसे CRPF बोलते हैं? AP माहेश्वरी जी। हरमनप्रीत कौर ऑस्ट्रेलिया में ICC महिला T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का नेतृत्व करेंगी। बस यही इंपॉर्टेंट है कि हरमनप्रीत जो इस बार का T20 वर्ल्ड कप हुआ था उसमें भारत की तरफ से कैप्टन थी, ठीक है, हरमनप्रीत कौर, ये वैसे पंजाब राज्य से आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिन सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस मनाया जाता है? तो ये 14 जनवरी को मनाया जाता है। किस पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट कर दिया गया है? तो ये कोलकाता बी ऑप्शन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्मृति ईरानी ने गोवा में महिला उद्यमिता के लिए यशस्विनी योजना शुरू की है, ठीक है, यशस्विनी योजना के तहत महिला स्व सहायता समूहों को व्यवसाय के लिए 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुफ्त ऋण प्रदान दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, SCO का महासचिव कौन है, कौन बने हैं? तो भैया ये बने हैं व्लादिमीर नोरोव, तो ये भी आप लोग याद रखना। और SCO में जो अपने भारत की जो सबसे, अरे भारत क्या, विश्व की जो सबसे ऊंची प्रतिमा है, वही सरदार वल्लभ भाई पटेल वाली 182 मीटर स्टैचू ऑफ यूनिटी वाली, उसने SCO ने उसको 8th वंडर के रूप में अपनी लिस्ट में शामिल किया है, ठीक है, 8th वंडर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परीक्षा पे चर्चा भैया नई दिल्ली पे हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसने कोलकाता, अच्छा मैं चर्चा से याद आया, मतलब मेरे को जानते हो क्यों याद आया, क्योंकि मैंने जनवरी में से आई थिंक मेरे को लगता है 10 फरवरी इनके बीच का मैंने करंट अफेयर्स ना डे वाइज अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्टिंग की वीडियोस मैंने अपलोड करके रखा हुआ है, ठीक है। देखो ज़्यादा वीडियो अभी पड़े हैं नहीं यूट्यूब में, मेरे अकाउंट में, मतलब मेरे चैनल में, आप जाके तुरंत सर्च कर सकते हो वीडियोज वाले ऑप्शन में, सबसे नीचे देखना वहाँ पे डे वाइज वाला पड़ा हुआ है। तो भाई कहीं तुमको डिटेल में कहीं एनालिसिस करंट अफेयर्स की देखनी है तो वहां जाके देख सकते हो, अदरवाइज तुमको इसी से कवर करना है, इसी से कवर कर सकते हो, ठीक है भाई, तुम्हारे ऊपर है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कोलकाता में एक एकीकृत स्टील हब के रूप में पूर्वी क्षेत्र को विकसित करने के लिए मिशन पुरोदया का अनावरण किया है? तो ये किया है धर्मेंद्र प्रधान जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंटो मोमोटा ने डेनमार्क के विक्टर एक्सेलसेन को हराकर मलेशिया मास्टर्स बैडमिंटन खिताब जीता है? तो भाई मलेशिया मास्टर्स का खिताब किसने जीता है? केंटो मोमोटो, और ये जापान के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वकील रॉबर्ट अबेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं? वकील रॉबर्ट अबेला माल्टा के नए प्रधानमंत्री बने हैं। माल्टा की राजधानी पूछ रहा है, ये वैलेटा है, तो हमको ये याद रखना है कि माल्टा के जो नए प्रधानमंत्री बने ये बने हैं रॉबर्ट अबेला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसको उत्तरी कमान का कमांडर नियुक्त किया गया? हु हैज बीन अपॉइंटेड कमांडर ऑफ द नॉर्दर्न कमांड? तो ये बने हैं वाई के जोशी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व ऊर्जा भविष्य शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है? अबू धाबी। किसने आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में 21 जनवरी को शास्त्रीय तेलुगु में नए उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया है? एम वेंकैया नायडू, जो अपने वर्तमान में उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जापान कोस्ट गार्ड शिप इचिगो 5 वर्षीय सद्भावना यात्रा पर चेन्नई आया है, यह चेन्नई में भारतीय तटरक्षक बल के साथ वार्षिक संयुक्त अभ्यास में भाग लेगा। तो भैया क्या इतना पूछ रहा है, भारत और जापान के बीच में कौन सी एक्सरसाइज होती है? होती है सहयोग काजिन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सहयोग काजिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको भारतीय रिजर्व बैंक का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया? तो उस टाइम की बात है, तो बने थे नए नए माइकल देवव्रत पात्रा, ठीक है, उस टाइम बने थे। नेक्स्ट देखो अभी कहीं हाल ही की बात करें ना, तो हाल ही में भी एक अपॉइंटमेंट और हुआ है गवर्नर, डिप्टी गवर्नर का, वो हुए M राजेश्वर राव, ठीक है। तो इससे कंफ्यूज अभी मत होना, क्योंकि ये बहुत लेटेस्ट है और अपने में लेटेस्ट इतना आएगा नहीं कि आप ऑप्शन ढूंढते रह जाओगे कि यार अभी हाल ही में तो इनका ये हुआ है, मतलब इनकी अपॉइंटमेंट हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की कहीं बात करें तो किस दिन भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जनवरी को अपना राष्ट्रीय सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो GSAT-30 किस देश से भारत का एक संचार उपग्रह Ariane 5 लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया फ्रेंच गुयाना से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस देश को संयुक्त राज्य अमेरिका ने
करेंसी मैनुपलेटर से हटा दिया है, ठीक है, तो ये चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में विश्व इज्तेमा का पहला चरण आयोजित हुआ है, तो ये हुआ है ढाका बांग्लादेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का स्टैच्यू ऑफ यूनिटी 8 वंडर्स ऑफ SCO सूची का हिस्सा बन गया है, SCO का मुख्यालय कहाँ है। देखो यही चीज मैंने भी आपको पीछे भी बताई थी SCO का जब क्वेश्चन आया था एक, ठीक है, तो SCO का मुख्यालय कहाँ पे है, ये अपना बीजिंग में है जो चीन की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में गहीर माथा समुद्री अभयारण्य स्थित है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। किसको ICC 2019 ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर रोहित शर्मा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस राज्य में प्रसिद्ध परशुराम कुंड मेला, अरुणाचल प्रदेश, इंपॉर्टेंट भाई क्योंकि ये स्टैटिक पोर्शन भी है और ये अपना करंट पोर्शन भी है, दोनों हैं इस बेसिस में ये इंपॉर्टेंट है। विकलांग व्यक्ति और 80 वर्ष आयु के लोग अब पोस्टल बैलेट के माध्यम से दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना वोट डाल सकते हैं। आपको भी पता होगा कि जनवरी में ही दिल्ली विधानसभा चुनाव हुए थे, तो उसी टाइम की बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिमित्री मेदवेदेव ने किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, तो ये रूस के प्रधानमंत्री थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, वहाँ के अब इस टाइम प्रेजेंट टाइम में है कौन, तो वो हैं मिखाइल मिसुस्तीन, मिसुस्तीन, ठीक है, इस टाइम पे करंट टाइम पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो किसने विशेष प्रदर्शनी डिजिटल स्पेस में भारतीय विरासत और पहली अंतर्राष्ट्रीय विरासत संगोष्ठी का नई दिल्ली में शुभारंभ किया है, तो ये प्रहलाद सिंह पटेल जी ने किया है। भाई इनका कौन सा मतलब मंत्रालय है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारत ने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, फिनलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारतीय रेलवे ने अक्षय ऊर्जा निवेशकों की बैठक आयोजित की है, नई दिल्ली। प्रसिद्ध संगीतकार इलैया राजा को इस साल का हरिवारासनम पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है भाई, इलैया राजा को। यह पुरस्कार कौन सी राज्य देती है, तो यह देती है केरल राज्य, ठीक है, ये पुरस्कार देती है। किसको मिला है, इलैया राजा को मिला है, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संयुक्त रूप से उत्तराखंड भवन का उद्घाटन किया है, तो ये नवी मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन कौन गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली सहायक थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अभी भाई देखो क्वेश्चन दिसंबर तक तो बहुत आ चुके हैं झेल के, ठीक है, आगे आने वाली शिफ्ट में जनवरी से क्वेश्चन कहीं बनेगा तो उनमें से एक क्वेश्चन ये जरूर से जरूर बनेगा कि गणतंत्र दिवस परेड के लिए पहली महिला परेड सहायक कौन सी थी, ये थी तानिया शेरगिल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहीं बात करें, तो वैश्विक ई कॉमर्स फर्म अमेजन ने भारत में 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के वृद्धिशील निवेश की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 29वें सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया जाएगा, वासुदेव मोही, इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर विज्ञान समागम आयोजित किया गया था, नई दिल्ली। के साथ भारत सरकार ने असम अंतर्देशीय जल परिवहन परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 88 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किया है, वर्ल्ड बैंक। किस शहर में व्यापार और निवेश पर भारत नॉर्वे वार्ता का पहला सत्र आयोजित किया गया था, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो किसने पश्चिमी रेलवे का महाप्रबंधक का पदभार संभाला है, तो ये आलोक कंसल जी, कंसल जी ने संभाला है पश्चिम रेलवे के महाप्रबंधक का पदभार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने लखनऊ में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के 7वें सम्मेलन का उद्घाटन किया है, तो ये किया है ओम बिरला जी। ओम बिरला जी कौन है, प्रेजेंट टाइम में लोकसभा स्पीकर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व तीरंदाजी ने भारत पर निलंबन हटा दिया है, विश्व तीरंदाजी संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये लुसाने स्विट्जरलैंड में है, लाजेन लुसाने जो बोल दो आप लोग। विच स्टेट यूनियन टेरेटरी इज होस्टिंग द फर्स्ट एवर फूड प्रोसेसिंग समिट टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर्स, तो ये लद्दाख ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज फ्लैग्ड ऑफ 51st K9 वज्र टी गन फ्रॉम लॉर्सन एंड टर्बो आर्म्ड सिस्टम कॉम्प्लेक्स एट हजीरा इन गुजरात, तो ये है राजनाथ सिंह जी। राजनाथ सिंह यार वो नीचे वाले में क्लिक हो गया, राजनाथ सिंह जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट 2020 रिपोर्ट, इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट इज प्रोजेक्टेड 5.7% एट फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस शहर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC ने ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर है बेंगलोर। ठीक है, ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी बेंगलोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस बैंक को रूसी हथियारों का भुगतान करने के लिए चुना गया है? यूको बैंक, UCO बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलेक्सिस एलेक्जे ड्रॉब किस खेल से संबंधित है? शतरंज के खिलाड़ी हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस शहर में ICC अंडर 19 विश्व कप आयोजित हुआ था? ये हुआ था भैया साउथ अफ्रीका में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के जन केंद्रित ईंधन संरक्षण मेगा अभियान का शुभारंभ नई दिल्ली में किया था, उस अभियान का क्या नाम था? मोस्ट इंपॉर्टेंट भैया सक्षम नाम था। ठीक है, CGL में ये क्वेश्चन आ चुका है जो मार्च में हुआ था 2019 वाला, तो भैया CHSL में भी बहुत से क्वेश्चन CGL के रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सक्षम अभियान किसने शुरू किया है? धर्मेंद्र प्रधान जी ने, ईंधन संरक्षण मेगा अभियान है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसने अहमदाबाद और मुंबई सेंट्रल के बीच तेजस एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है? ये भैया विजय रूपानी, अपने गुजरात के जो CM है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी का वकील नियुक्त किया गया है? हरीश साल्वे। कौन सी राज्य सरकार विश्वविद्यालय और कॉलेजों में गांधी चेयर स्तंभों की स्थापना करेगी? मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी फर्स्ट एडिशन ऑफ कृषि मंथन द लार्जेस्ट फूड एग्री बिजनेस एंड रूरल डेवलपमेंट समिट ऑफ एशिया वॉज ऑर्गेनाइज? अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री विल होस्ट 19th काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन? तो इसका आंसर क्या है भाई? भारत में होंगे ये सब। किसने उत्तर पूर्वी रंगमंच में सबसे बड़े एयरबॉर्न अभ्यास विंग्ड रेडर का आयोजन किया है? तो ये किया है भारतीय सेना ने, इंडियन आर्मी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल वेल्थ और लाइफ स्टाइल रिपोर्ट 2020 के अनुसार लग्जरी वस्तुओं और सेवाओं को खरीद के लिए किस शहर को सबसे सस्ते शहर के रूप में चुना गया है? ठीक है, तो भाई ये मुंबई है, वो भी ये वर्ल्ड वाइड निकलती है रिपोर्ट उस पे है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी भाई अपॉइंटमेंट ये भी अच्छा है कि हु हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया? तो ये अपने जो है अर्जुन मुंडा जी, उनको बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत के लिए S-400 लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली का उत्पादन शुरू कर दिया है और सभी 5 इकाइयों को 2025 तक वितरित कर दिया जाएगा? तो ये भैया S-400 रशिया का है, याद रखना S-400 के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में 9वें अंतर्राष्ट्रीय बाल फिल्म महोत्सव का आयोजित किया गया है? कोलकाता। किसने दावोस में 50वें विश्व आर्थिक मंच में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया है? पीयूष गोयल जी। किस देश के साथ भारत हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सुनिश्चित करने और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए सहयोग को और मजबूत करने पर सहमत हुए हैं? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एवं लाइब्रेरी की कार्यकारी परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये चुना गया है नृपेंद्र मिश्रा जी को। ये कौन है? पूर्व प्रधानमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री के पूर्व निजी सचिव थे। ठीक है, सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली में पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इस कार्यक्रम के तहत 5 वर्ष से कम आयु के लगभग 17 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो ड्रॉप पिलाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूक्रेन में प्रधानमंत्री ओलेक्सी होंचरुक ने राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ठीक है, तो यूक्रेन की राजधानी पूछ रहा है भैया, यूक्रेन की राजधानी आसान है, कीव है। ठीक है, लेकिन आपको याद रखना है किन्होंने इस्तीफा दे दिया है, इनका नाम है ओलेक्सी होंचरुक। ठीक है, ये प्रधानमंत्री बने थे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। ये कहाँ के थे? यूक्रेन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीम ने दुबई में पाकिस्तान को हराकर 2020 राजनयिक कप क्रिकेट चैंपियनशिप जीती है? तो भैया जहां पाकिस्तान का नाम है बस इंडिया हरा रही है हर जगह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो टेनिस में सानिया मिर्जा और उनकी साथी नाडिया किचनोक ने ऑस्ट्रेलिया के होबार्ट में WTA इंटरनेशनल ट्रॉफी में महिला युगल का खिताब जीता है। तो ठीक है भैया, खिताब जीता है अच्छी बात है, लेकिन हमको जो सानिया मिर्जा के बारे में पता है, इंडिया खिलाड़ी है, लेकिन जो साथी हैं उनकी, वो किस देश की खिलाड़ी हैं?
तो ये हैं यूक्रेन के खिलाड़ी, वही यूक्रेन जिनके प्राइम मिनिस्टर ने इस्तीफा दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बापू नाडकर्णी का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से? क्रिकेट से थे भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुलदीप यादव ने सबसे तेज 100 विकेट लिए हैं, भारतीय स्पिनर बन गए हैं, तो उन्होंने 58वें मैच में ये कारनामा करके दिखा दिया है। विनेश फोगाट ने रोम रैंकिंग सीरीज इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, वैसे हरियाणा की हैं लेकिन उन्होंने रोम रैंकिंग इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है, ये इंपॉर्टेंट है, विनेश फोगाट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में SQAY प्रतियोगिता आयोजित की गई थी? भोपाल में हुई थी। अश्विनी चोपड़ा का हाल ही में निधन हो गया है, वो राजनेता थे। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF ने 18 जनवरी 2020 को अपना 15वां स्थापना दिवस मनाया है। भारत ने 10 किलोमीटर की परमाणु क्षमता वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, जिसे पनडुब्बी से लॉन्च किया गया है, उस मिसाइल का नाम है K4। ठीक है, नेक्स्ट है, कौन नए थल सेना प्रमुख के रूप में, भाई नए थल सेना नहीं, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, भाई सबको पता होता है कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कॉमन है, आपको भी पता होगा नरवाणे साहब हैं इस टाइम, ठीक है, लेकिन वाइस कौन, उप, वो हैं SK सैनी जी। ठीक है, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ SK सैनी, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक अपॉइंटमेंट आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शमशेर सिंह सुजरेवाला सुरजेवाला का हाल ही में निधन हो गया है, ये कौन थे? ये भैया राजनेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैस्टल ऑफ ड्रीम्स डायरेक्टेड बाई रेजा मीर कारमी वॉन दी बेस्ट फिल्म अवार्ड इन एशियन कंपटीशन सेक्शन ऑफ 18th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, इट इज विच कंट्रीज फिल्म? तो ये जो कैस्टल ऑफ ड्रीम्स है, ये किस देश की फिल्म है? ये ईरान की फिल्म है। ठीक है, ईरान की फिल्म है, इसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रच्चानोक इंतानोन ने कैरोलिन मारिन को हराकर 2020 इंडोनेशिया मास्टर्स का महिला एकल खिताब जीता है, तो ये किस देश से है? ये है थाईलैंड से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में चापचर कुट फेस्टिवल मनाया जाता है? ये देखिए, अब ये स्टैटिक पोर्शन का भी क्वेश्चन है और ये करंट का भी है, तो ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखिएगा, मिजोरम में मनाया जाता है। ठीक है, चापचर कुट फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश के साथ नीति आयोग ने बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के विकास के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये लद्दाख के साथ किए हैं। नेक्स्ट है, किसने हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड के लोगो और ब्रांड अपना यूरिया सोना उगले का अनावरण किया है? तो ये किया है सदानंद गौड़ा जी ने, DV सदानंद गौड़ा जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर से किरण रिजिजू और प्रमोद सावंत ने फिट इंडिया साइक्लोथॉन को हरी झंडी दिखाई है? तो ये पणजी, पणजी कहाँ पे है? गोवा की राजधानी है ये पणजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेटेड धनु यात्रा मनाता है अपना उड़ीसा राज्य? नेक्स्ट है, किस राज्य ने अभिनंदन योजना शुरू की है? असम। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एक समर्पित महिला हेल्पलाइन दामिनी शुरू की है? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट है, गोरेला पेड्रा मरवाही किस राज्य का 28वां जिला बनने जा रहा है? तो ये बनने जा रहा है छत्तीसगढ़ से, और ये बिलासपुर से अलग होके बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने अपने सुरक्षा बल RPF रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स का नाम बदलकर भारतीय रेल सुरक्षा बल सेवा कर दिया है, तो RPF का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नई दिल्ली में, लेकिन भैया जो नेम चेंज हुआ है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी भी एक पेपर में आ सकता है। नेक्स्ट है, विश्व आर्थिक मंच द्वारा संकलित सामाजिक गतिशीलता सूचकांक में 82 देशों में से भारत का 76वां स्थान रहा है, पहले स्थान पर डेनमार्क रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सोशल इंडेक्स, 82 कंट्रीज के लिस्ट में 76 इंडिया की रैंकिंग थी। किस दिन को राष्ट्रीय बालिका दिवस के रूप में मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 24 जनवरी। किसने पुडुचेरी में 12वें राष्ट्रीय जनजाति युवा विनिमय कार्यक्रम को उद्घाटन किया? तो किरण बेदी जी ने किया था। नेक्स्ट है, किसने नई दिल्ली NIC टेक कॉन्क्लेव 2020 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किया? रविशंकर प्रसाद जी ने।
आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष वित्त वर्ष 2019-20 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 4.8%। नेक्स्ट, किसने एसबीआई के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो भैया ये जनवरी उस टाइम की नियुक्ति है, तो उस टाइम चुना गया था चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी जी को, लेकिन प्रेजेंट टाइम की बात करें तो अश्विनी भाटिया जी, ठीक है, अश्विनी भाटिया जी हैं अपने एमडी भाटिया। और कहीं बात करें इनके चेयर पर्सन की, तो चेयर पर्सन अभी तक थे रजनीश कुमार, जबकि अभी हाल ही में लास्ट वीक ही दिनेश खारा जी की चेयर पर्सन के पद पर नियुक्ति हुई है, दिनेश खारा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के साथ एकीकृत चेक पोस्ट आईसीपी विराट नगर का उद्घाटन किया है? तो ये अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने किस वायुसेना स्टेशन पर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों से लैस सुखोई 30 एमकेआई फाइटर जेट के एक स्क्वाडन को शामिल किया गया है? तंजावुर एयरबेस में यह शामिल किया गया है। तंजावुर कहाँ पे है? तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य 2018-19 में सब्जी उत्पादन में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट, 71वें गणतंत्र दिवस पर जायर बोल्सनारो मुख्य अतिथि थे, वो किस देश के राष्ट्रपति हैं? ब्राजील के राष्ट्रपति। नेक्स्ट, किसने ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री पद के रूप में शपथ ली है? तो ये ली है एलिस फकफक, ठीक है। तो इन्होंने भी देखो भाई इस्तीफा दे दिया था अभी कुछ दिन पहले, और उसके बाद जो इनका स्थान लिया था वो लिया है हिचेम मेचिची, ठीक है, इन्होंने इनका स्थान लिया है हिचेम मेचिची। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस कंपनी ने भारत में ऊबर ईट्स व्यवसाय का अधिग्रहण किया है? तो जोमैटो ने ऊबर ईट्स का एक्वायर कर लिया है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेड मॉनिटर रिपोर्ट कंपाइल्ड बाई UNCTAD, इंडिया अट्रैक्टेड एन एस्टिमेटेड 49 बिलियन डॉलर्स ऑफ एफडीआई इन 2019। विच स्टेट सेलिब्रेटेड इट्स 48th स्टेटहुड डे ऑन 21 जनवरी? तो भाई तीन स्टेट होते हैं जिनका जो स्टेटहुड है डे, स्टेट डे जिनको फाउंडेशन डे भी बोलते हैं, मनाते हैं, वो है मणिपुर, मेघालय एंड त्रिपुरा, जो 21 जनवरी को मनाते हैं, ठीक है, स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस शहर में देश की पहली पारगमन उन्मुख विकास परियोजना की आधारशिला रखी है? तो ये रखी है नई दिल्ली में। भारत सरकार ने मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रेस करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिफाई रजिस्टर पोर्टल लॉन्च किया है, तो ये IMEI अपनाने वाला पहला देश कौन सा था? तो ये था ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है जो IMEI है इसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म आप लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की ने घोषणा की है कि वह आधिकारिक तौर पर अपने देश के उपनाम पर हॉलैंड को हटा देगा? तो भाई ये नीदरलैंड का ही बोला जाता था, तो अब उसने हटाने का आधिकारिक तौर पर निर्णय ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल अजीज जेरात को किस देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये अल्जीरिया के बने हैं। नेक्स्ट है, केंद्रीय विश्वविद्यालय निर्मला सीता केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 2024-25 तक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर 102 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की है। 102 लाख करोड़ रुपए की, और 2024-25 तक, मतलब नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी राज्य सरकार हर महीने के पहले दिन नो व्हीकल डे मनाएगी? तो ये राजस्थान गवर्नमेंट की तरफ से स्टेप लिया गया है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार 2019 के डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत को 51वां स्थान दिया गया है। समग्र सूची में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है, जिसके बाद आइसलैंड और स्वीडन है, मतलब फर्स्ट नंबर पे नॉर्वे, सेकंड पे आइसलैंड, थर्ड पे स्वीडन, और इंडिया की रैंकिंग क्या रही है? 51st, 51वीं। नेक्स्ट, किसने अंतरिक्ष यात्रियों को गगन यान मिशन के लिए शॉर्ट लिस्ट किया गया है जो प्रशिक्षण के लिए रूस जाएंगे? तो ये चार लोग हुए हैं,
जो उनको रूस भेजा जाएगा प्रशिक्षण के लिए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ ह्यूमनॉइड दैट दी इसरो विल सेंड बिफोर फाइनली सेंडिंग ह्यूमेंस इन 2022 फॉर गगनयान प्रोग्राम। तो इनका नाम व्योम मित्र है, आप लोग ने जरूर से जरूर सुना होगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। नेक्स्ट, किस देश ने जलवायु आपातकाल घोषित कर दिया है? तो ये जिस टाइम की न्यूज़ है उस टाइम करंटली स्पेन ने किया था। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, विकासशील देश, उसमें सबसे पहले बांग्लादेश ने क्लाइमेट इमरजेंसी डिक्लेयर की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की है? उत्तर प्रदेश। किस राज्य की अखिल भारतीय खेल परिषद में शामिल किया गया है? तो भाई देखो, किसको शामिल किया गया है हाल ही में, जो नए शामिल हुए हैं, दो लोग, योगेश्वर दत्त और दीपा मलिक जी। पहले से दो लोग बने हुए हैं, सचिन तेंदुलकर और विश्वनाथ आनंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिव्यांश सिंह पवार किस खेल से संबंधित हैं? शूटिंग। किस से सॉफ्टवेयर इंडिया ने अपना कंट्री हेड नियुक्त किया है? ये नियुक्त किया है मनोज कोहली जी को। किस राज्य में कलक्कड़ मुथन थुराई बाघ अभयारण्य स्थित है? तो यार नाम से ही पता चल जाता है, तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट है, किस देश में शंकर ने महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है? पहले महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया है, तो ये नाइजर में किया है। नाइजर एक अफ्रीकन कंट्री है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ILO's वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक ट्रेंड्स 2020 रिपोर्ट, अनएम्प्लॉयमेंट विद राइज बाई अबाउट 2.5 मिलियन इन 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेटिंग एजेंसी इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए भारत की सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर कितनी रखने का अनुमान लगाया है? 5.5%, 5.5%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, भारतीय एयरटेल को प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को 100% तक बढ़ाने तक के लिए दूर संचार विभाग ने मंजूरी दे दी है। पहले ये केवल 49% था, ठीक है, अब इसको 100% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, RBI ने किस भुगतान प्रणाली ऑपरेटर के प्राधिकरण के प्रमाण पत्र को रद्द कर दिया है? तो ये कर दिया गया है वोडाफोन एम पैसा का, ठीक है। नेक्स्ट है, विश्व स्तनपान रुझान पहल द्वारा किए गए एक नए सर्वेक्षण के अनुसार स्तनपान दर पर वैश्विक रूप पर कौन सा देश 97 देशों की सूची में प्रथम स्थान पर है? तो ये श्रीलंका है। नेक्स्ट, किस शहर में प्राकृतिक गैस क्षेत्र में उभरते अवसरों पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया है? नई दिल्ली पे किया गया था। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में? 24 जनवरी। नेक्स्ट, मनमोहन सूद का हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल संबंधित थे? क्रिकेट। कौन सा देश महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगन उड़ान सर्जन को प्रशिक्षित करेगा? तो ये फ्रांस करेगा। नेक्स्ट, कौन सा राज्य असम के गुवाहाटी में तीसरे खेलो इंडिया यूथ गेम्स में पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर रहा? तो ये महाराष्ट्र रहा था। अच्छा, टोटल इसको कितने अवार्ड मतलब कि प्राइज मिले थे? पदक 256 मिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने ATM के माध्यम से कार्डलेस कैश विड्रॉल सेवा शुरू की है? तो ICICI बैंक ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में कैबिनेट समिति ने हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन संयंत्र को बंद करने की मंजूरी दे दी है? तो ये तेलंगाना राज्य ने किया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया है? 13वें संस्करण का किया था इस साल। राष्ट्र ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को 23 जनवरी 2020 को उनकी 123वीं जयंती पर श्रद्धांजलि थी। कौन सा देश पहली बार म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भाग लेगा? उत्तर कोरिया, जिसको नॉर्थ कोरिया भी बोला जाता है। किस शहर में भारतीय चुनाव आयोग दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों की फोरम की 10वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी करेगा? तो ये नई दिल्ली में करेगा, ठीक है। किस राज्य सरकार ने शिव भोजन योजना शुरू की है? महाराष्ट्र, जैसा कि शिव नाम से ही क्लियर है, तो महाराष्ट्र में ही। नेक्स्ट, आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में उनके अनुकरणीय योगदान के लिए प्रतिष्ठित चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है? तो ये हैं बरिंदर सिंह योगी जी, ठीक है। तो इनका देखिए क्या फील्ड है, तो इनका फील्ड है आयुर्वेद स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। इसी तरह देखिए कुछ मतलब जाने माने नाम हैं जिनको चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड 2019 ही दिया गया है,
बहुत सारे लोग हैं ठीक है, लेकिन उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम जिनको अच्छे से हम लोग जानते हैं उनका नाम का एक बार रिकॉल कर लेते हैं। देखिए उनमें सबसे पहले आते हैं मनीष सिसोदिया जी, जो अपने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं और शिक्षा मंत्री हैं। दूसरा नाम आता है अनुराग ठाकुर जी। अनुराग ठाकुर आप जानते होंगे ये कौन है, यूनियन मिनिस्टर है, स्टेट मिनिस्टर है, यूनियन स्टेट मिनिस्टर है। हेमंत सोरेन ये झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, इनको भी दिया गया इस साल। और है आचार्य बालकृष्ण, इनका पतंजलि के जो सीईओ हैं, और साथ में शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, ठीक है, इनको भी दिया गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए ऐसे सही सुलमित करने वाले में जैसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं जिसमें मिलान करना पड़ता है, वैसे वाले क्वेश्चंस में बन सकता है। यह तो ऐसे पूछ जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसे चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड से सम्मानित नहीं किया गया है, तो तीन नाम दे देगा जिनको दिया गया और एक पूछ लेगा, ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश ने परमाणु सक्षम सतह से सतह मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल गजनवी का सफल प्रशिक्षण लॉन्च किया है, तो ये पाकिस्तान की है गजनवी मिसाइल, ठीक है। नेक्स्ट है कौन अपने हिंदी उपन्यास बलवा का विमोचन करेंगे, तो ये हैं अपने मुख्तार अब्बास नकवी जी। नेक्स्ट दत्तू भोकानाल किस खेल से संबंधित हैं, तो ये रोइंग, रोइंग मतलब नौकायान से संबंधित हैं। नेक्स्ट ग्रीन पीस इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार झरिया भारत का सबसे प्रदूषित शहर है, यह किस राज्य में है, यह झारखंड में स्थित है। किसको आपदा प्रबंधन में उनके सराहनीय कार्य के लिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया है, तो देखिए इंडिविजुअल जो सम्मानित किया गया वो किया गया कुमार मुन्नून सिंह जी को, और कहीं इंस्टीट्यूट कैटेगरी में देखा जाए तो ये किया गया है उत्तराखंड के डिजास्टर मिटिगेशन एंड मैनेजमेंट सेंटर को, ठीक है, दोनों ही आपको याद रखने हैं ये। नेक्स्ट है किस शहर में इनोवेशन फेस्टिवल आयोजित किया गया, तो ये ईटानगर अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य ने 25 जनवरी 2020 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है, तो ये मनाया है हिमाचल प्रदेश ने। भारत सरकार ने 1954 में दो नागरिक पुरस्कार भारत रत्न और पद्म विभूषण की स्थापना की थी, 1954 में स्टार्ट हुए थे भारत रत्न और पद्म विभूषण। किस शहर में तीसरा वैश्विक आलू कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया है, तो ये गांधीनगर में गुजरात। नेक्स्ट किस शहर में भारत ब्राजील व्यापार मंच आयोजित किया गया, तो नई दिल्ली में, क्योंकि नई दिल्ली में क्यों किया गया था, क्योंकि उसी टाइम गणतंत्र दिवस के अवसर पर ब्राजील के राष्ट्रपति भारत आए हुए थे मुख्य अतिथि बन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ब्राजील ने 2022 तक 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर के व्यापार का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है ब्रिटेन ने यूरोपीय संघ से देश के प्रस्थान को चिन्हित करने के लिए, मतलब ये जो यूरोपीय संघ से ब्रिटेन जो अलग हो गया उसको चिन्हित करने के लिए एक नया 50 पेंस सिक्का का अनावरण किया है, तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, तो ये थे बोरिस जॉनसन, ठीक है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि जिस टाइम यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ था उस टाइम वहां के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ये थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन। नेक्स्ट है जनता दल वरिष्ठ नेता अमरनाथ शेट्टी का हाल ही में निधन हो गया है, वो 80 वर्ष के थे, ये किस राज्य के पूर्व मंत्री थे, तो ये कर्नाटक के थे। नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के दिग्गज कोबे ब्रायंट का हाल ही में निधन हो गया, तो किस देश, अमेरिका के थे। ये भी देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनका हेलीकॉप्टर क्रैश में इनकी डेथ हो गई थी, ठीक है, इनका नाम है कोबे ब्रायंट, बहुत ही ज़्यादा नामी नाम था भैया बास्केटबॉल की दुनिया का, ठीक है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने एयर इंडिया के 100% हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है, तो एक तो पहली बात तो यही क्वेश्चन बन गया कितने प्रतिशत हिस्सेदारी 100% किसकी, एयर इंडिया की, ठीक है, एयर इंडिया का मुख्यालय नई दिल्ली में है। मार्जक सरेक ने किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में इस्तीफा दिया है, स्लोवेनिया के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अभय सिंह किस खेल से संबंधित हैं, स्क्वैश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसको एशियाई टेनिस महासंघ के आजीवन अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है, अनिल खन्ना जी को, ठीक है, इनको हु हैज बीन नॉमिनेटेड एज लाइफ प्रेसिडेंट ऑफ एशियन टेनिस फेडरेशन, अनिल खन्ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य को अपनी पहली हाथी कॉलोनी मिली है, मध्य प्रदेश। हु हैज बीन ऑनर्ड विद लोकमान्य तिलक नेशनल जर्नलिज्म अवार्ड, तो ये दिया गया है संजय गुप्ता जी को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस राज्य में मीठे पानी के कछुओं के पुनर्वास केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये बिहार में किया गया था। नेक्स्ट है इसरो हैज साइंड ए पैक्ट विथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स टू स्टैब्लिश एन ऑप्टिकल टेलीस्कोप अंडर विच प्रोजेक्ट, तो ये नेत्रा प्रोजेक्ट है, ठीक है, नेत्रा ऑप्टिकल टेलीस्कोप वाला प्रोजेक्ट नेत्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
किसने कर्नाटक के दक्षिण पश्चिम दक्षिण कन्नड़ जिले के सुरतकल में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT के में अंतरिक्ष के लिए एक क्षेत्रीय शैक्षणिक केंद्र स्थापित किया है? तो ये इसरो ने किया है अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के साथ भारतीय सेना ने AK-203 असॉल्ट राइफल खरीदने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो रूस के साथ किया है। किस राज्य ने मुख्यमंत्री कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? तो मध्य प्रदेश ने शुरू की है। अजमल सुल्तानपुरी जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि थे? उर्दू भाषा के प्रसिद्ध कवि थे। किस राज्य ने एक ऐप के माध्यम से गंगा सागर का पवित्र जल प्रदान किया है? शेख खालिद बिन अब्दुल अजीज अल थानी को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो ये कतर के नियुक्त हुए हैं। ठीक है, कतर, कतर की राजधानी दोहा। 2022 का जो फुटबॉल का फीफा वर्ल्ड कप था वो भी दोहा में ही हुआ था, कतर में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस शहर में भारतीय रेलवे ने देश के पहले सरकारी कचरा से ऊर्जा प्लांट को कमीशन किया है? तो ये किया अभी भुवनेश्वर को। ठीक है, विच इन विच सिटी इंडिया इंडियन रेलवे हैज कमीशन कंट्रीज फर्स्ट गवर्नमेंटल वेस्ट टू एनर्जी प्लांट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमीला मलिक जिनका हाल ही में निधन हो गया है वह कौन थी? वो अब एक अभिनेत्री थी। यार ये नीचे वाले में कैसे क्लिक हो जाता है, एक सेकेंड। ये अभिनेत्री थी, ऊपर सेकंड नंबर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दिन प्रलय के पीड़ितों की स्मृति में अंतर्राष्ट्रीय दिवस में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 27 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की झांकी के 71वें गणतंत्र दिवस परेड में प्रथम पुरस्कार मिला? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर असम है। ठीक है, नेक्स्ट है, किसने बेंगलुरु में भुवन पंचायत V3.0 वेब पोर्टल लॉन्च किया है? जितेंद्र सिंह जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे विच आई एम हैज बीन रैंक 42nd ग्लोबली इन दी फाइनेंशियल टाइम्स ग्लोबल MBA रैंकिंग 2020? तो इसका आंसर क्या है, IIM कलकत्ता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच एडिशन ऑफ मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज? तो इसका आंसर है 16th। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है, किस मंत्रालय ने न्यू एंड इमर्जिंग स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज पर एक नया डिवीजन स्थापित करने की घोषणा की है? तो ये फॉरेन मिनिस्ट्री ने की है, विदेश मंत्रालय ने। विदेश मंत्री कौन है इस टाइम, जल्दी से कमेंट बॉक्स कर दो, कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कर दो। किस राज्य में खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने पहले रेशम प्रसंस्करण संयंत्र का उद्घाटन किया है? तो ये गुजरात, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गुजरात इसका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ई गैजेट पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये उड़ीसा राज्य ने किया है, ई गैजेट पोर्टल। किसने इंडियन बैंक ऑफ एसोसिएशन किसने इंडियन बैंक एसोसिएशन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्यभार संभाला है? तो ये सुनील मेहता जी ने कार्यभार संभाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में फ्लेमिंगो महोत्सव आयोजित किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आंध्र प्रदेश में किया जाता है। किस राज्य ने ई सर्टिफिकेट परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू की है उड़ीसा राज्य ने। ई गैजेट भी यहीं से है, ई सर्टिफिकेट भी यहीं से है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस राज्य ने अपनी पहली अटल किसान मजदूर कैंटीन शुरू की है? तो ये लद्दाख में शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने किस देश में मानवीय सहायता और आपदा राहत करने के लिए ऑपरेशन वेनिला शुरू किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, मेडागास्कर इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने पृथ्वी पर सबसे अधिक ऊंचाई पर फैशन शो के आयोजन के लिए एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो नेपाल। नेक्स्ट है, हु हैज टेकन चार्ज एज न्यू फॉरेन सेक्रेटरी? हर्षवर्धन श्रृंगला। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके साथ भारत ने सूचना और प्रसारण के क्षेत्र में नए आयामों पर आपसी सहयोग के साथ काम करने पर फ्रांस के साथ? किस देश की नेवी शिप HMAS टुवुम्बा में मुंबई की यात्रा पर है? तो ये ऑस्ट्रेलिया की है। भाई देखो शिप का नाम है, पहले तो ये याद रख लो, वरना ऐसे भी आ सकता है HMAS टुवुम्बा निम्नलिखित में से क्या है? तो ये भैया देखो शिप का एक नेम है जो कि ऑस्ट्रेलियन शिप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई कर लिया है, वो किस राज्य के हैं? तो ये हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये याद रखना भाई, नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है? तो ये भाला फेंक वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने गुजरात के केवड़िया में स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास सरदार वल्लभ भाई पटेल सेंटर फॉर एम्पावरमेंट एंड लिवलीहुड की आधारशिला रखी है?
तो ये रखिए एस जयशंकर। एस जयशंकर कौन है? अपने विदेश मंत्री हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरनजीत सिंह संधू ने किस देश में भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला है? तो यूएसए के बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने एक वर्चुअल पुलिस स्टेशन शुरू किया है? उड़ीसा सबसे पहला कहीं पूछ ले तो वो आंध्र प्रदेश ने शुरू किया था, आंध्रा यूनिवर्सिटी में, एयू में, ठीक है, एयू आंध्रा यूनिवर्सिटी में सबसे पहले वर्चुअल पुलिस स्टेशन आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था और अब उड़ीसा राज्य ने भी शुरू कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व भारतीय महिला कौन, क्या नाम, मतलब कि किस टीम की हैं, किस खेल की टीम की हैं, कि कप्तान सुनीता चंद्रा का हाल ही में निधन हो गया है? तो ये भैया हॉकी की प्लेयर थी, ठीक है, हॉकी की प्लेयर सुनीता चंद्रा। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने किसकी आत्मकथा रिलेंटलेस का विमोचन किया है? तो ये यशवंत सिन्हा जी, यह तो यशवंत सिन्हा जी की आत्मकथा है रिलेंटलेस, ठीक है, तो इसका विमोचन किया है प्रणब मुखर्जी जी ने। राष्ट्र ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 72वीं पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को श्रद्धांजलि दी। किस दिन को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है? 30 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में 65वें राष्ट्रीय स्कूल खेल अंडर 17 बॉयज का आयोजन किया गया? अगरतला त्रिपुरा में। एसओ एल्बेन किस खेल से संबंधित है? साइकिलिंग। आरबीआई ने मौद्रिक नीति समिति के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया है? जनक राज्य को नियुक्त किया गया था। किस शहर में बीटिंग दी रिट्रीट समारोह का आयोजन किया गया था? ये नई दिल्ली में किया जाता है, ये मतलब कि जो गणतंत्र दिवस होता है उसके बाद ये किया जाता है, बीटिंग दी रिट्रीट समारोह। हु हैज वॉन द 2020 टेलर पुरस्कार बाई मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहां प्राइज वगैरह आ जाए तुरंत रट्टा मार लो, पवन सुखदेव जी को दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन कोस्ट गार्ड ने न्यू मंगलौर पोर्ट पर अपनी नई इंस्पेक्टर इंटरसेप्टर नाव C-448 का परिचालन किया है, भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक कौन है? तो ये हैं कृष्ण स्वामी नटराजन जी, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है कि इंडियन कोस्ट गार्ड ने न्यू मंगलौर पोर्ट पर नई इंटरसेप्टर नाव C-448 का परिचालन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्लेयर में विकलांग व्यक्तियों के कौशल विकास पुनर्वास और सशक्तिकरण के लिए समग्र क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है? तो ये किया थावरचंद गहलोत जी ने। नया क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा ई विधान परियोजना के कार्यान्वयन से कागज रहित होगी? तो ये हो जाएगी अरुणाचल प्रदेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लघु फिल्म आहुति को अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम नीदरलैंड में प्रदर्शित होने के लिए चुना गया है, फिल्म निर्माता का क्या नाम है? इसमें पूछा गया है जो आहुति फिल्म है उनके फिल्म निर्माता का क्या नाम है, डायरेक्टर का क्या नाम है? तो वो है लुब्धक चटर्जी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य से नावेल कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था? केरल। या आपको एकदम मुंह में रटा होना चाहिए भैया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शब्द को 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द का नाम दिया गया है? यह नाम दिया गया है संविधान। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गूगल ने भारतीयों में समाचार साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? तो ये की है 1 मिलियन डॉलर, ठीक है, इतने रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है। विच स्टेट हैज फ्लैग ऑफ कंट्रीज फर्स्ट फ्रूट रन, सॉरी फ्रूट ट्रेन? तो ये किया है आंध्र प्रदेश सरकार ने, आंध्र प्रदेश सरकार ने देश की पहली फल ट्रेन शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्या बाल का हाल ही में निधन हो गया है, वह कौन थी? वो थी सोशल एक्टिविस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किसे आईबीएम के नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अरविंद कृष्ण जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको नेपाल में भारत के अगले नए राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? विनय मोहन क्वात्रा जी को नेपाल का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और बांग्लादेश के बीच में एक संयुक्त सैन्य अभ्यास उमरोई मेघालय में आयोजित किया गया, उसका नाम क्या है? तो भाई जो भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है वो संप्रीति होता है, तो आप लोग अच्छे से याद रखना। ये क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन का भी हो गया है और करंट का भी हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय महिला टीम की कप्तान रानी रामपाल प्रतिष्ठित वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली हॉकी खिलाड़ी बनी है, वह किस राज्य से है? ये हरियाणा से है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है कि किस राज्य से है, लेकिन वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसको मिला है?
ये मिला है रानी रामपाल को, जो भारतीय हॉकी टीम की, महिला हॉकी टीम की कप्तान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी हत्याकांड पर एक विशेष प्रकाशन जिसका शीर्षक है महात्मा गांधी की हत्या परीक्षण और निर्णय 1948-49 जारी किया है? तो ये जारी किया है MS स्वामीनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसको रंगमंच के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स मिलेगा? तो ये किसको दिया जाएगा, ये भी देखो, एक अवार्ड्स की बात हो रही है। तो सबसे पहली बात तो ये वाला अवार्ड देता कौन सी कंट्री है, नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स ये देता है फ्रांस। ठीक है, और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ थिएटर, थिएटर के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो ये अवार्ड मिलेगा संजना कपूर जी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने क्रिकेट सलाहकार समिति का गठन किया है, निम्नलिखित में से शामिल है? तो देखिए, मदन लाल भी शामिल हैं, रुद्र प्रताप सिंह भी शामिल हैं, लच्छड़ा नाइक जी भी शामिल हैं, तीनों नाम हैं, तो आप लोग एक अकेले पढ़ लो या जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने चीन के नोवेल कोरोना वायरस पर एक अंतर्राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो भाई, जब वायरस है तो अपना WHO ही करेगा ये सब काम, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वेक्षण 2019-20 के अनुसार 2019-20 के लिए भारत की GDP वृद्धि में कितनी दर्ज की जाएगी? तो ये 5% का अनुमान लगाया गया था, किसमें, इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द इकोनॉमिक सर्वे 2019-20? निर्मला सीतारमन। भैया ये क्वेश्चन जानते हो, CGL 2019 में आ चुका है, जो मार्च में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक सर्वे कौन तैयार करता है? ये तैयार करता है आर्थिक मामलों के विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में आर्थिक सर्वेक्षण तैयार किया जाता है, भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? तो ये है कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, इंडिया GDP ग्रोथ इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो इन दी रेंज ऑफ 6 to 6.5% इन 2020-21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019-20, इंडिया कैन रेज इट्स एक्सपोर्ट मार्केट शेयर टू अबाउट 3.5% बाई 2025 एंड 6% बाई 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 20 इंडिया कैन क्रिएट 4 करोड़ वेल पेड जॉब्स बाई 2025 एंड 8 करोड़ बाई 2030। नेक्स्ट क्वेश्चन, वरिष्ठ पत्रकार यूसुफ जमील को 2019-20 पेन गौरी लंकेश पुरस्कार के लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए चुना गया है, वह किस राज्य से हैं? वो हैं जम्मू एंड कश्मीर से। यूसुफ जमील जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? पेन गौरी लंकेश पुरस्कार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पेन गौरी लंकेश पुरस्कार। ये किस फील्ड में दिया जाता है? ये दिया जाता है जर्नलिज्म की फील्ड में, ठीक है, पत्रकारिता में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिक्की के आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP की वृद्धि दर वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए कितनी रही है, कितने, मतलब 5% का अनुमान लगाया गया, 2020-21 के लिए 5.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटमेंट ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? तो ये हैं M. अजीत कुमार जी, जिनको अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखो भाई, किसी को, अब आपको एक चीज बता दें, देखो इस बार देखो, भारत रत्न तो किसी को नहीं मिला था, लेकिन पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री बहुत सारे लोगों को दिया गया था। पद्मश्री तो मतलब करीब 118 लोगों को दिया गया था, ठीक है, तो कितने कितने लोगों को दिया गया था ये चीज, ठीक है, कि पद्मश्री 118 लोग ऐसे ही ऑलमोस्ट थे, मेरे को एकदम एग्जैक्टली डेटा याद नहीं है। पद्म भूषण कितने लोग को दिया गया था, पद्म विभूषण कितने लोग को दिया गया था, ये तीन चीज हो गई, ठीक है। टोटल पूछ सकता है कि साल के गणतंत्र दिवस में कितने लोगों को दिया गया था प्राइज, तो ये पूछ सकता है। तो कहीं आप लोग को ये चीज़ पढ़नी हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा। जब मैंने जनवरी का करंट अफेयर्स कवर कराया था डेट वाइज, तो मैंने उसमें से एक वीडियो में इसको बहुत अच्छे से कवर कराया था, ठीक है। देखिए, जो वो है पद्म विभूषण, वो देखिए ऑलमोस्ट 7 या 8 लोगों को दिया गया है, तो आपको उनके तो सारे के नाम याद होने चाहिए, क्योंकि
क्योंकि वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से किसको पद्म विभूषण नहीं दिया गया है, ठीक है? तो वो आपको एकदम याद होना चाहिए। और कहीं मेन मेन टॉपिक की कहीं बात करूं जनवरी में, और तो ऐसे यार देखो कहीं यार अभी तक तो मेरे को जितना याद आ रहा है गणतंत्र दिवस वाला ही है, ठीक है, जो उसको प्राइज दिए गए हैं उसकी मैं जरूर जरूर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, ठीक है? कहीं आपको एक बार देखना हो उसको भी जरूर से जरूर देख लेना। बाकी यार वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, और जितने भी क्वेश्चन पूछे हैं कुछ के तो आंसर दे दिया करो यार, तुम लोग तो एक भी आंसर नहीं देते हो। बाकी शेयर जरूर करना दोस्तों के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।